Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, we Sanu, and you are watching Sanu Nonstop. The guys can I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का जो है वो आज टॉपिक लेकर आई हूँ. Which Indian state will be the first to reach a $1 trillion economy? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, एटसेट्रा. ओके, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन सी स्टेट जो है वो इंडिया की वो सबसे पहले 1 trillion इकोनॉमी को हिट कर पाएगी. आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप कौन सी स्टेट से जो है ये वीडियो देख रहे हैं. मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सी स्टेट के अंदर जो है ये वीडियो मेरी जा चुकी है. आप लोगों ने महाराष्ट्र से है, उत्तर प्रदेश से है, किसी भी स्टेट से है जरूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा. बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं. और लाइक सब्सक्राइब कर दिया ना, शेयर भी कर दिया ना, वेरी गुड. लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. इस समय भारत के कई राज्यों के बीच कंपटीशन शुरू हो गया है कि हाँ। कौन सा राज्य पहले $1 trillion की यार ऐसा कंपटीशन करो ना. पहले महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना है जिसकी अकेले की जीडीपी $500 बिलियन को क्रॉस कर गई है. महाराष्ट्र के पीछे उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्य हैं जिनकी जीडीपी आने वाले कुछ सालों में $500 बिलियन को टच कर जाएगी. और ये आपको 2026 से 28 के बीच देखने को मिलेगा. पर अच्छी बात यह है कि इन राज्यों के बीच कंपटीशन इतना ज्यादा हाई हो गया है कि कई राज्यों ने $1 trillion जीडीपी को अचीव करने के लिए टारगेट सेट कर लिया है और साथ में रोड मैप भी तैयार कर लिया है. तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य कब $1 trillion की इकोनॉमी बनेंगे और कौन सा राज्य सबसे पहले $1 trillion की इकोनॉमी बनेगा. तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ. आपके ख्याल से कौन बनेगा? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में. दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए. इस समय अगर आप भारत के टॉप 5 स्टेट्स देखेंगे तो नंबर 1 पे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा जिसकी जीडीपी $511 बिलियन है. महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना है जिसकी जीडीपी $500 बिलियन से ज्यादा की हो चुकी है. महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है जिसकी जीडीपी $377 बिलियन है. तीसरे नंबर पे कर्नाटका है जिसकी जीडीपी $336 बिलियन है. और चौथे नंबर पे गुजरात है जिसकी जीडीपी $334 बिलियन है. और पांचवे नंबर पे उत्तर प्रदेश है जिसकी जीडीपी $300 बिलियन है. पिछले साल तक उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे था, पर पिछले एक साल में कर्नाटका और गुजरात ने यूपी से ज्यादा तेजी से ग्रो किया है, इसीलिए यूपी पांचवे नंबर पे आ गया है. पर अगर इस फाइनेंशियल ईयर उत्तर प्रदेश तेजी से ग्रो करेगा तो वो वापस से टॉप 3 में आ जाएगा, क्योंकि कर्नाटका, गुजरात और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. पर देखो, खुशी इस बात की है कि पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है और जीडीपी के मामले में वो टॉप 10 से उठ के आज वो भारत के टॉप 5 स्टेट्स में आ गया है. और जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश ग्रो कर रहा है वो जल्द ही $500 बिलियन की इकॉनमी भी बन जाएगा. देखो 2028 तक जब भारत $5 trillion की इकॉनमी होगा और साथ में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन जाएगा, तो उस समय भारत के दो राज्य $500 बिलियन की इकॉनमी को टच कर लेंगे, महाराष्ट्र और तमिलनाडु. पर अगर गुजरात और कर्नाटका 9 से 10% तक ग्रो करते हैं तो वो भी 2028 के एंड तक $500 बिलियन की इकॉनमी बन जाएंगे. और अगर यूपी 2024 से ऑन एन एवरेज 10% से ग्रो करेगा तो वो 2030 तक $500 बिलियन की इकॉनमी बन जाएगा. पिछले 10 सालों से यूपी की एवरेज ग्रोथ रेट 9.9% रही है, तो यूपी के नेक्स्ट 10 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. अब बात करते हैं बड़ी पिक्चर $1 trillion इकॉनमी की. तो भारत का पहला राज्य जो सबसे पहले $1 trillion की इकॉनमी बनेगा वो होगा महाराष्ट्र. महाराष्ट्र अगर मुझे भी लग ही रहा था 9.6% से ग्रो करता है तो वो 2033 तक $1 trillion की इकॉनमी बन जाएगा, जिस समय भारत $10 trillion की इकॉनमी होगा. महाराष्ट्र भारत का इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल स्टेट है. महाराष्ट्र के पास मुंबई और पुणे जैसी सिटीज हैं. मुंबई को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है. मुंबई में आपको सभी बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफिस देखने को मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल जाएगी. पुणे को महाराष्ट्र का एजुकेशनल हब कहा जाता है. इसके अलावा पुणे में आपको बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के ऑफिसेज भी देखने को मिल जाएंगे. महाराष्ट्र के पास सब कुछ है, रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर है, स्किल्ड लेबर फोर्स है. इसके अलावा महाराष्ट्र के पास 16 एयरपोर्ट, 2 मेजर और 48 माइनर पोर्ट है. भारत का लार्जेस्ट पोर्ट JNPT पोर्ट महाराष्ट्र में, जो उसे एक्सपोर्ट के लिए वेल कनेक्टेड भी बनाता है. तो अगर महाराष्ट्र सबसे पहले $1 trillion की इकॉनमी बनेगा तो उसमें किसी को हैरान नहीं होना चाहिए. दूसरा स्टेट जो 2035 में $1 trillion की इकॉनमी बनेगा वो होगा तमिलनाडु.
पिछले 10 सालों से तमिलनाडु ऑन एन एवरेज 11% से ग्रो कर रहा है। तमिलनाडु को फैक्ट्री ऑफ इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत की 17% फैक्ट्रीज तमिलनाडु में लोकेटेड है। भारत की इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में तमिलनाडु का 16% कंट्रीब्यूशन है। तमिलनाडु भारत का सेकेंड वेल्दीएस्ट स्टेट है। इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग में तमिलनाडु भारत का मोस्ट इकोनॉमिकल फ्री स्टेट है। तमिलनाडु भारत का हाईली अर्बनाइज पॉपुलेशन स्टेट है, जहां 60% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है। तमिलनाडु में आपको ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल, प्लास्टिक सबकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल जाएगी। तमिलनाडु के चेन्नई में आपको फॉक्सकॉन, सैमसंग, सिस्को, डेल, एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिल जाएंगे। चेन्नई को साउथ एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा तमिलनाडु आईटी सर्विसेज में भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा तमिलनाडु रिलीजियस टूरिज्म में बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है। तमिलनाडु में आपको बहुत पुराने पुराने मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तमिलनाडु टेम्पल टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। तो देखा जाए तमिलनाडु में वेल कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तमिलनाडु में एक्सीलेंट रोड एंड रेल नेटवर्क है। 3 मेजर पोर्ट, 15 माइनर पोर्ट और 8 एयरपोर्ट है। तमिलनाडु के पास हाईली क्वालिफाइड, स्किल्ड, डिसिप्लिन्ड, प्रोडक्टिव ओरिएंटेड, इंग्लिश स्पीकिंग ह्यूमन फोर्स भी है। तीसरा स्टेट जो 2035 में $1 trillion की इकोनॉमी बनेगा वो होगा गुजरात। गुजरात भारत का वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलप्ड स्टेट है। गुजरात में 46 पोर्ट, 18 एयरपोर्ट है, जो उसकी कनेक्टिविटी को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। गुजरात के पास 25 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। गुजरात में आपको केमिकल, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल, डेयरी, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट, सेरेमिक, जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल जाएगी। गुजरात वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोसेस डायमंड का प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड का 70% प्रोसेस डायमंड अकेले गुजरात प्रोड्यूस करता है और भारत का 80% डायमंड अकेले गुजरात एक्सपोर्ट करता है। गुजरात के सूरत को डायमंड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। गुजरात फार्मास्यूटिकल के मामले में भी बहुत आगे है। इंडिया का 30% फार्मा एक्सपोर्ट गुजरात से होता है। इसके अलावा गुजरात को पेट्रोलियम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। गुजरात में आपको बड़ी बड़ी प्राइवेट और गवर्नमेंट की पेट्रोलियम रिफाइनिंग यूनिट भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गुजरात एक्सपोर्ट में नंबर वन है। भारत का 25% एक्सपोर्ट अकेले गुजरात करता है। इसके अलावा 2035 में ही एक और स्टेट है जो $1 trillion की इकोनॉमी बनेगा और वो होगा कर्नाटका। कर्नाटका को नॉलेज कैपिटल ऑफ इंडिया, आईटी हब ऑफ इंडिया, इनोवेशन एंड स्टार्टअप ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी क्लस्टर कर्नाटका में। बेंगलुरु में आपको 400 से ज्यादा ग्लोबल R&D सेंटर और 4000 से ज्यादा स्टार्टअप देखने को मिल जाएंगे। कर्नाटका में 34 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। कर्नाटका में आपको ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिलेगी। इसके अलावा कर्नाटका के पास बेंगलुरु है, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। बेंगलुरु में आपको सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न देखने को मिलेंगे। बेंगलुरु में आपको मेजर आईटी कंपनीज जैसे कि TCS, इंफोसिस, गूगल, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, अमेज़न, IBM, इंटेल के ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। तो 2035 में भारत के 3 स्टेट तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटका $1 trillion की इकोनॉमी बनेंगे। फिर उसके बाद 2036 से 2038 के बीच उत्तर प्रदेश भारत का 5वां राज्य होगा जो $1 trillion की इकोनॉमी बनेगा। देखो, अगर उत्तर प्रदेश को $1 trillion की इकोनॉमी बनना है तो उसे डबल स्पीड से ग्रो करना होगा और ये चीज उत्तर प्रदेश के CM योगी जी को भी पता है और इसके लिए उन्होंने ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है। यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने जैसी चीजें ब्लूप्रिंट में शामिल हैं। देखो, 2017 से पहले यूपी को करप्शन, क्राइम, कास्ट, इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता था, पर पिछले 6-7 सालों में यूपी ने अपना पोटेंशियल पूरे देश को दिखाया है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, गरीबी कम हुई है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, यूपी का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, यूपी में टूरिज्म बढ़ रहा है, यूपी के नोएडा में मेजर IT कंपनीज के ऑफिसेस हैं, कई कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। एशिया का सबसे बड़ा सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में। इसके अलावा पिछले 5-6 सालों में यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हुआ है। यूपी भारत के 9 अदर स्टेट से 48 नेशनल हाईवे के थ्रू वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश भारत का वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। तो अभी तो उत्तर प्रदेश ने ग्रो करना शुरू किया है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता रहेगा, उत्तर प्रदेश और तेजी से ग्रो करेगा और उसके लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को कास्ट से हट के एक होकर उस सरकार को सत्ता में बनाए रखना होगा जो उसके भविष्य को सुधारेगा, ना कि उन लोगों को जिताना होगा जो यूपी को वापस से अंधकार में ढकेल के ले जाए। इसके अलावा इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने बताया है कि जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर चुका होगा तब 2047 तक भारत के 8 राज्य होंगे जिनकी GDP $1 trillion से ज्यादा होगी
और वो राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होंगे। इसके अलावा ओडिशा भी 2047 तक $1 trillion क्लब में शामिल हो जाएगा। तो 2047 तक भारत के कम से कम 9 से 10 राज्य ऐसे होंगे जो $1 trillion की इकोनॉमी होंगे। और भारत के जो इस समय टॉप 5 राज्य महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका हैं, उनकी जीडीपी $2 trillion से ज्यादा की होगी। तो दोस्तों, ये थे वो राज्य जो आने वाले समय में $1 trillion इकोनॉमी बनने वाले हैं और भारत को आगे ले जाने वाले हैं। पर इस समय भारत के 5 राज्य ऐसे भी हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था पे बोझ बनते जा रहे हैं, और वो 5 राज्य पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरला और वेस्ट बंगाल है। इन राज्यों के ऊपर इस समय सबसे ज्यादा कर्ज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन 5 राज्यों के कर्ज बढ़ने की मेन वजह लो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन 5 राज्यों की सरकार अपने बजट का 90% हिस्सा सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज और इंटरेस्ट ऑन लोन में खर्च कर देती है। राज्य के डेवलपमेंट में सिर्फ 10% खर्च करती है, जिसके चलते इन राज्यों में अर्निंग सोर्स ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ पा रही है और फिर नेक्स्ट ईयर इन्हें बजट के लिए और ज्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके अलावा इन राज्यों में सरकारें खूब फ्रीबीज देती हैं, जिसके चलते इन राज्यों का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। इलेक्शन जीतने के लिए इन राज्यों में सरकारें बिजली पे, पानी पे, ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडीज देने का वादा करती हैं और इससे राज्य का कर्ज बढ़ता है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि इन राज्यों का कर्ज कैसे कम होगा। तो RBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के सभी राज्यों को कम से कम अपने बजट का 1/3 हिस्सा डेवलपमेंट और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना होगा। RBI ने बताया कि इन राज्यों को डेट ट्रैप से निकलने के लिए अर्निंग सोर्सेस को बढ़ाना होगा। राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा RBI ने बताया है कि राज्य का कर्ज कम करने के लिए राज्य सरकारों को फ्रीबीज को कम करना होगा, सिर्फ जरूरतमंद को ही सब्सिडीज देना होगा। इलेक्शन जीतने के लिए जो उटपटांग वादे किए जाते हैं उससे बचना होगा, तभी राज्यों का कर्ज कम होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके गाइस, तो अच्छी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी जो है वो स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, पहले $1 trillion को इकोनॉमी को हिट करेगी। तो मेरे ख्याल से तो महाराष्ट्र जो है वो, मतलब मैं भी पहले यही सोच रही थी कि वही करेंगे, और उन्होंने वीडियो के अंदर भी बताया कि महाराष्ट्र जो है वो बहुत जल्दी से और तेजी से रैपिडली जो है वो ग्रो कर रहा है। तमिलनाडु, गुजरात, ये वो, इन सब में सबसे बड़ा हाथ जो है ना वो टूरिज्म का भी होता है। यार इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं फॉरेन कंट्रीज से, ये वो अपने डॉलर वगैरह भी एक्सचेंज करवाते हैं, डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, और इंडिया खूबसूरत भी है और काफी ज्यादा अच्छा भी है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत सरप्राइज कर देने वाली थी कि इंडिया के ऊपर पंजाब जो है वो बोझ बन रहा है। यार मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि पंजाब तो बहुत ज्यादा डेवलप है, बहुत बड़ा है, और ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइज थी कि यार पंजाब को जो है वो उन्होंने ये बोल दिया। पंजाब को तो सोने की चिड़िया जो है वो बोला जाता था कि इंडिया की सोने की चिड़िया है, ये बहुत अच्छी अच्छी यहाँ से जो है वो चीजें होती हैं, और यहाँ पर पंजाब के लोग बहुत अच्छे होते हैं, रिच है, ये है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ब्ला ब्ला। लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रीजंस हो जाती हैं फिर के आहिस्ता आहिस्ता कुछ अपने ऊपर काम भी करते हैं। कुछ जैसे MPA वगैरह होते हैं ना, अक्सर यहाँ पर इलेक्शन जीतते हैं तो कुछ लोग तो पैसा खा लेते हैं, कुछ लोग जो है वो अपनी स्टेट के ऊपर काम भी करते हैं, ये बात भी सही है। कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं भी काम करते, तो जो काम ईमानदारी से करते हैं, जैसे महाराष्ट्र है तो आगे बढ़ रहा है, तमिलनाडु है वो आगे बढ़ रहा है, कर्नाटका है, ये सारी चीजें ये आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात तो वाकई बहुत प्यारा है, बेंगलुरु के अंदर मैंने देखा है कि कितनी प्यारी प्यारी यार कंपनीज हैं, कंपनीज के जो उन्होंने ऑफिसेज बनाए हैं, इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं उनकी। तो अच्छी वीडियो थी, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।